हेलो दोस्तों, मेरा नाम है युवराज, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। और आप देख रहे हो टेक यू एंड करेटर। मेरे सामने खड़ी है टीवीएस राइडर और मैं आपको वीडियो में बताऊंगा टीवीएस राइडर की भी अलॉय व्हील को कलर कैसे किया जाता है और इसमें कितना खर्चा हुआ मेरे को कलर करने में, ये भी बताऊंगा मैं आपको। और आज अपन बाइक पे कलर करेंगे फ्लोरोसेंट येलो कलर। और दोस्तों, आप इस कलर को घर पे भी कर सकते हो जैसे कि मैं वीडियो में आपको बताऊंगा आगे। सबसे पहले मैं आपको बाइक का लुक दिखा देता हूँ जिसकी व्हील को अपन आज कलर करेंगे। ये है टीवीएस की राइडर बाइक। तो दोस्तों, आप नोटिस कर सकते हैं इसकी व्हील अभी ब्लैक कलर की है जिस पे अपन पेंट करेंगे फ्लोरोसेंट येलो कलर। तो दोस्तों, सबसे पहले अपन को टायर को खोलना है। तो दोस्तों, अलॉय व्हील खुलने के बाद अपन को इसको साफ करना है अच्छे से, और हो सकता है किसी की रिंग पुरानी हो, जंग वगैरह हो, तो उसको भी अच्छे से साफ कर लेना है आपको। क्योंकि अगर अपन अलॉय व्हील को अच्छे से साफ करते हैं ना तो कलर को चिपकने में आसानी रहती है और कलर करना भी काफ़ी आसान हो जाता है इस पर साफ करने के बाद। फिर उसके बाद अपन को सेफ्टी के लिए इस पर टेप लगानी है जिस इससे में अपन को कलर करना है। उसके अलावा सब जगह अपन को टेप चिपकानी है टायर पे ताकि जब अपन कलर करें स्प्रे तो उसके जो छींटे वगैरह होते हैं वो टायर पे नहीं लगे। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो अपना जो टायर है वो गंदा हो सकता है, उस पर भी कलर लग सकता है, और टायर पर जब कलर लग जाता है तो वो अच्छा नहीं लगता। इसलिए सेफ्टी के लिए टेप लगा लो उस पर, जिससे कि आप वीडियो में देख सकते हो मैं कैसे लगा रहा हूँ उसे। आप चाहो तो आप भी सेम ऐसे लगा सकते हो इसको। ये इसका लुक है, मैं आपको दिखा देता हूँ टेप लगने के बाद। फिर अपन इस पर सबसे पहले वाइट कलर करेंगे। वो इसलिए करते हैं वाइट कलर क्योंकि जो अपन जो कलर करने वाले हैं वो वाइट कलर के ऊपर अच्छे से चिपकता है। मतलब अगर आप डायरेक्ट ब्लैक के ऊपर अगर फ्लोरोसेंट येलो कलर करते हो तो वो अच्छा नहीं लगता, बहुत ज़्यादा डार्क दिखेगा और उसकी शाइनिंग भी अच्छी नहीं आएगी। इसलिए सबसे पहले आपको वाइट कलर करना है इसके ऊपर, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हो। अगर आप चाहो तो इसे हल्का भी कर सकते हो कलर को और डार्क भी कर सकते हो, वो आपकी कंडीशन के ऊपर है आपको कैसा कलर पसंद है। अब अपन को पीछे की रिंग पे भी करना है सेम ऐसी जैसे अपने फ्रंट की रिंग पे करा। और आप चाहो तो वाइट कलर भी कर सकते हो अपनी रिंग पे क्योंकि वाइट कलर भी अच्छा लगता है, काफ़ी बाइक में देखा है मैंने वाइट कलर भी। जो कलर आपको पसंद है आप कर सकते हो बाइक की रिंग पर जब आपका वाइट कलर हो जाए। तो इसको थोड़ी देर सूखने भी देना है अपन को। जब अपना वाइट कलर सूख जाए अच्छे से उसके बाद अपन को इस पर कलर करना है फ्लोरोसेंट येलो कलर। आप नोटिस कर सकते हो कि ये कलर कैसा लग रहा है आपको कलर होने के बाद। बाइक की रिंग का अलग ही लुक आ रहा है जैसे कि आप देख सकते हो। जब आप ये कलर करो तो थोड़ा हल्का हाथ से करना, मतलब धीरे चलाना हाथ को। सेम पीछे वाले टायर को भी ऐसे करना है। व्हाइट कलर के ऊपर ये काफ़ी अच्छा लग रहा है जिससे कि आप नोटिस कर सकते हो कलर बहुत ज़्यादा खिला हुआ लग रहा है।
दोस्तों इसमें अपन को जो फ्लोरोसेंट येलो कलर है उसके दो डिब्बी लगी थी मुझे स्प्रे की, और जो वाइट वाली है वो एक डिब्बी लगी थी इसमें मेरे को कलर करने में। और ये कलर अपन को मार्केट में 200 से 250 रुपये का मिल जाता है एक, तो इसमें मेरे को कलर करने में खर्चा आया है 600 से 800 रुपये का। अगर आप घर पे कलर करते हो तो आपका भी सेम खर्चा आएगा 600 से 800 के बीच में। तो दोस्तों ये कलर हो चुका है, मैं आपको इसका लुक दिखा दूँ। कलर हो जाने के बाद अपन को पन्नी को हटा लेना है। और दोस्तों आप इसका लुक देख सकते हो पन्नी हटने के बाद, अपना टायर भी सेफ बचा है। अब इसको अपन को बस फिट करना है वापस से अपनी बाइक में। तो दोस्तों आप इसका लुक देख सकते हो। मैं आपको इसको चला के भी दिखाऊंगा आगे अपनी के बाइक का लुक है कलर होने के बाद। मैंने इसे फ्लोरोसेंट येलो कलर किया है बाइक पर, आप इसके लुक को देख सकते हो कैसा लग रहा है कलर होने के बाद। तो दोस्तों मैं आपको बाइक को चला के भी दिखाता हूँ, बाइक चलाने पे इसका लुक कैसा था वो दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों ये था बाइक का लुक, आपको बाइक का लुक कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, वो मेरे चैनल टेक यू एंड करेक्टर को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप मेरी वीडियो देख सको। तो दोस्तों मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा बाइक की रिंग को रेड कलर करके, तो वीडियो को देखते रहिए।